हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीलेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके एक्सीलेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं करवा रहा हूँ आप लोगों का पूरा सीरीज रीजनिंग सेक्शन का। उसी में जो है मैं ये पजल सीरीज लाया हूँ, और ये पजल सीरीज आपका SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी मैं पजल्स इसमें करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम खुद देता हूँ, मुझे पता है किस लेवल के पजल्स आते हैं प्रीलिम्स लेवल में। बस उससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप ये जो पजल्स है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और दूसरी बात है कि आप एग्जाम में जो जो पजल्स आएंगे उसको और कम समय में बना पाएंगे। तो मैं हमें बोल कोशिश कीजिए कि मेरा जो पजल्स है इसको जैसे ही पजल्स आपको दिखे पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर मेरा अप्रोच देखिए। अगर आपका अप्रोच ज़्यादा बेहतर लगता है तो आप उसको फॉलो कीजिए, और अगर मेरा अप्रोच आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वो सीख लीजिए। आपको डेफिनेटली एग्जाम में जो है कम टाइम में पजल्स बनेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बात बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे एक्सीजेंस चैनल यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप हमारे एक्सीजेंस एडुकेटर यूट्यूब चैनल ऐप भी है, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फ्री मॉक्स आते हैं, मंथली क्विजेस आते हैं, तो उसको भी आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपका रिवीजन जो है अच्छा हो जाएगा। हमारा मॉक टेस्ट भी है जो कि 269 में अवेलेबल है, आप इसको भी एक बार लेके देख सकते हैं, आपका प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। तो चलो शुरू करेंगे बिना किसी देर किए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने फ्लोर बेस्ड पजल जो होता है वही लिया है। आपको टॉपिक वाइज सारे पजल्स करवाऊंगा, सारे का अप्रोच सिखाऊंगा किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं किस तरीके से है। 8% PQRS TU B एंड W दे लिव इन ए सेपरेट फ्लोर ईच ऑफ एन 8 फ्लोर बिल्डिंग, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड सो ऑन अंटिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। तो कहा है, कह रहा है 8 लोग है PQRS TU B W, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, और फ्लोर जो है वो 1 से 8 तक का है। नीचे का फ्लोर 1 नंबर का है, उससे ऊपर 2, उससे ऊपर 3, इस तरीके से टॉप मोस्ट फ्लोर जो रहेगा वो नंबर 8 है, ठीक है। ये है हमारा कहने का इसका मतलब। चलो अब शुरू करते हैं। यू लीव्स एन ऑड नंबर फ्लोर, यू जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं यू ऑड नंबर फ्लोर। 4% लिव बिटवीन टी एंड एस, एस हु लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन व्हिच यू लिव्स। अच्छा, टी और एस के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और एस जो है वो यू के एक फ्लोर, मतलब यू के जो यू का जो फ्लोर है उससे नीचे रहता है। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, यू डाउन एरो एस, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। उसके बाद कह रहा है आर लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 2। आर जिस फ्लोर में रहता है वो मल्टीपल ऑफ 2 में है, मतलब जो भी फ्लोर है एक्स वाई जेड उसका मल्टीपल 2 है। तो इसका मतलब देखो, तो मैं ये फ्लोर है, सॉरी मैंने यहाँ पे कर देता हूँ 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब देखो मल्टीपल ऑफ 2 कौन सा होता है, ये 4 नंबर होता है, और कौन सा होता है 6 होता है, और कौन सा होता है 8 होता है ना, ये मल्टीपल ऑफ है किसके 2 के। अच्छा, आर लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट इन 6 फ्लोर। अच्छा, वो मल्टीपल फ्लोर के 2, मतलब 2 के मल्टीपल फ्लोर में तो रहता है बट 6 में नहीं, तो आर यहां पे नहीं रहता है, तो इसको मैं काट दूंगा। तो अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 8 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक फ्लोर में आर हो सकता है। तो चलो, जबकि मुझे पता है मैंने 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले ही लिया है, बट इसमें ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगा। क्यों, अगर आप कंडीशन से चेक करेंगे तो ऑलरेडी आपका जो है एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक आर मैं ले लेता हूँ। उसके बाद क्या कह रहा है, वी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, वी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। चलो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद मोर देन 2% लीव बिटवीन एस एंड वी। अच्छा, जो एस है और जो वी है उसके बीच में 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं। अब देखो इस कंडीशन का मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब है कि एस और वी के बीच में 2 से ज़्यादा, मतलब 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी, 5 लोग भी, 6 लोग भी, ठीक है। इस तरीके से इस कंडीशन का मतलब है क्यू लीव्स इमीडिएटली अबव फ्लोर ऑन व्हिच डब्ल्यू लीव्स। अच्छा, क्यू जो है वो W के इमीडिएट एबो फ्लोर में
रहता है। अब देखो मेरा जो एरो का देने का तरीका है वो अच्छे से देखो, अगर नीचे कह रहा है, नीचे कहाँ पे है मुझे पता नहीं, उस केस में मैं बीच में एरो देता हूँ, और अगर जैसे जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे है तो मैं साइड में एरो देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपना तरीका निकालो, आपको समझना है एग्जाम में, आपको किसी को वहां पे समझाना नहीं है, ठीक है। तो आप किसी तरीके से भी अपना मेंशन कर सकते हो। आर डज नॉट बिलो ऑन विच डब्ल्यू, अच्छा ये हो गए, आर डज नॉट बिलो यू, मतलब आर जो है वो यू के नीचे नहीं रहे होता है, तो इसका मतलब आर ऊपर कहीं ना कहीं होगा यू के, है ना, ये कर दिया मैंने। उसके बाद क्या कह रहा है, पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो टी, पी जो है टी के नीचे होता है और ऑड नंबर फ्लोर पे होता है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ऑड नंबर फ्लोर। चलो कंडीशन कंप्लीट हो गए, अब मैं शुरू करूंगा कहां से, देखते हैं कौन सा बेस्ट पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहां पे एक बता रहा है पी और एस के बीच में चार लोग हैं, ठीक है, और यू जो है वो एस के नीचे है, ठीक है, अच्छा ये भी है। अब देखो यू के ऊपर आर है, ये वाला कंडीशन यू के ऊपर आर है, तो अगर इस वाले जो कंडीशन है कहीं पे मैं यू यहां पे दू, ठीक है, तो उसके कहीं ना कहीं नीचे एस होगा, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आ रहा हो। अब देखो यू यहां पे तीनों में कहां है मुझे पता नहीं है, और उसके नीचे कहीं ना कहीं एस होगा, और एस और टी के बीच में चार लोग हैं। अब देखो अगर मैं यू को तीन नंबर पे दू और अगर एस को यहां पे दू तो एक दो तीन चार, मतलब टी मेरा यहां पे आ जाता है, ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है। और एस को मैं यहां पे भी ले सकता हूं, और अगर मैं एस को यहां पे क्यों नहीं ले सकता, देखो अगर मैं एस को हाँ यहां पे भी एस मैं ले सकता हूं, और एस के ऊपर एक दो तीन चार टी यहां पे आ जाएगा, तो ये दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। चलो मैं ऐसे ही कर देता हूं, ठीक है, अच्छा यू यहां पे दे देता हूं और एस यहां पे दे देता हूं, एक दो तीन चार टी मैं यहां पे दे दूंगा। मैं ये कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ आए इस तरीके से, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करना है। अच्छा एक मैं यू को यहां पे भी ले सकता हूं और एक यहां पे इसको ले सकता हूं, एक दो तीन चार टी यहां पे, ठीक है, चलो ये हो गए। अच्छा हाँ उसके बाद क्या कह रहा है टी, अच्छा देखो हाँ पी जो है यहाँ पे, देखो पी जो है टी के नीचे है और कोई ऑड नंबर फ्लोर पे है, ठीक है, पी जो है कोई टी के नीचे है ऑड नंबर फ्लोर पे है, तो चलो कहाँ पे देखो ये तो इवन नंबर हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको दे सकता हूँ पी, अगर यहाँ पे दूंगा पी। अब देखो ये वाले कंडीशन डब्लू के ऊपर क्यू है, ठीक है, जस्ट ऊपर तो एक ही जगह बचता है, इसको मैं डब्लू के ऊपर क्यू दे दूंगा, और यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे देखते पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू भी, ये तो U हो गया, यहाँ पे U है तो भी यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब देखो V और S के बीच में यहाँ पे कह रहा है दो से ज्यादा लोग है, बट यहाँ पे तो V और S के बीच में एक ही लोग कोई भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाले कंडीशन कट हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो कि अच्छा W के यहाँ पे ये बैठेगा यहाँ पे बैठे, इस तरीके से अगर W को Q यहाँ पे दे दूँ तो यहाँ पे जो है V का जगह नीचे आ जाता है, तो नहीं होगा पॉसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एस है, ठीक है, पी जो है डब्ल्यू और क्यू, देखो डब्ल्यू और ये वाला पॉसिबिलिटी, डब्ल्यू और क्यू कहाँ पे बैठ सकता है, देखो यहाँ पे तो एक ही जगह है नहीं बैठ सकता, वन पे फाइव और सिक्स एक ही जगह यहीं पे बैठ सकता है, तो मैं डब्ल्यू और क्यू को यहाँ पे क्यू और ये मैं डब्ल्यू को यहाँ पे सेट कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अच्छा वी कहाँ पे बैठता है, वी यहाँ पे, क्योंकि बोला है वी इवन नंबर पे है, है ना, तो वी मैंने वहां पे दे दिया। चलो तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा पी जो कि ऑड नंबर पे है, तो पी मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ये हो गए। अब देखो तो ये इस तरीके से हो गए, हाँ यू के ऊपर आर है, ठीक है। अब देखो यू के ऊपर आर है बोला है, ठीक है, यू के ऊपर आर है, तो यू के ऊपर आ रहा है बट इमीडिएट नहीं बोला है, बट यहां पे जो है इमीडिएट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, बट यहां पे इमीडिएट आ रहा है, तो इस तरीके से ये वाला कंडीशन भी नहीं हो सकता है हमारा।
चलो फिर, ये तो ये भी नहीं हो गया है ना, तो ये भी नहीं होगा। और यू के नीचे एस है वो भी ठीक है, बट इमीडिएट, देखो इमीडिएट एस तो नहीं बोला है तो इमीडिएट तो नहीं होगा, बट ये भी हो सकता है। चलो ये तो हो गया। अब मैं ये वाले कंडीशन आर मेरा है दो, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन आर ले लूंगा। और मैं आपको ये, क्योंकि ये आप खुद चेक कर सकते हो दो पॉसिबिलिटी में, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यू जो है मुझे कहा गया है कि यू जो है वो ऑड नंबर पे है, ठीक है, तो यू को मैं एक यहाँ पे ऑड नंबर दे सकता हूँ है ना, और एक यू को मैं यहाँ पे ऑड नंबर भी दे सकता हूँ। अगर मैं यू को यहाँ पे दू, यू के नीचे एस आएगा, ठीक है चलो देख लेते हैं, यहाँ पे देता हूँ। अच्छा यू के नीचे एस आएगा, एस और टी के बीच में चार लोग है। अब देखो एस यहाँ पे दू, 1 2 3 4 यहाँ पे टी आ जाएगा है ना, तो ये हो सकता है यू के नीचे एस। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ले सकता हूँ। देखो टी नीचे क्यों नहीं आएगा, मैं टी को नीचे क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि टी अगर नीचे कहीं पे कहीं आ जाता है ना, तो फिर पी को, ये जो कंडीशन है टी के नीचे पी ऑड नंबर पे है, ये मैं कहीं नहीं सेट कर सकता, तो इसलिए मैं टी को हमेशा ऊपर ले रहा हूँ और एस को नीचे ले रहा हूँ। कि और दूसरी बात है कि यू के नीचे एस आना चाहिए, तो ये भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यू यहाँ पे दो जगह पे आ गए, अब देखो हाँ यू दो जगह पे आ गए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कहाँ पे, देखो एक एस यहाँ पे ले सकता हूँ, 1 2 3 4 टी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर नहीं ले सकता, अगर ऊपर लूंगा तो चार लोग नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे भी मैं एस ले लूंगा, क्योंकि इसके ऊपर तो नहीं ले सकता, और या तो मैं एस यहाँ पे ले सकता हूँ, 1 2 3 4 टी यहाँ पे, ठीक है, ये एक कंडीशन मेरा हो गया। अच्छा अब क्या कह रहा है, चलो ये हो गए दोनों कंडीशन। अब क्या कह रहा है, देखो W और Q के बीच, W के जस्ट ऊपर Q है, ये वाला कंडीशन है ना, तो इस वाले में मैं कहाँ सेट कर सकता हूँ, यही दो जगह खाला है, खाली है 4 और 3, तो मैं यहाँ पे W और Q सेट कर दूंगा। अब देखो W और Q मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि S और V के बीच में दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है, तो V तो यहाँ आ नहीं सकता, तो V यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और T के नीचे P है जो कि ऑड नंबर पे है, तो P मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, और इसी के साथ मेरा पजल सॉल्व हो जाता है। अब ये भी मैं चेक कर लूंगा, आप कहोगे कि ये भी चेक कर लो, हाँ क्यों नहीं, चलो चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो क्या कह रहा है, टी के नीचे पी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक ही जगह खाली है, और वो है सेकेंड पोजिशन, मतलब दो नंबर का फ्लोर, जबकि पी जो है वो ऑड नंबर पे होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी कट गया, तो मेरा ये वाला जो है फॉलो हो जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से ये हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह 7 आर्टिस्ट ABCDEFG बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, जापान, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जर्मनी, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। दे आर ऑल लिविंग अ 7th फ्लोर बिल्डिंग। 5 7 साइंटिस्ट है ABCDEFG, वो अलग अलग कंट्रीज के लिए, अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करता है, 7th फ्लोर में रहता है, ठीक है। अच्छा बिलोंग टू लोएस्ट फ्लोर, अच्छा यहाँ पे 7th फ्लोर बिल्डिंग, लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7। तो चलो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ, 7 6 5 4 3 2 1। डी लिव्स ऑन 4th फ्लोर बट नाइदर बिलोंग टू चाइना नॉर ऑस्ट्रेलिया। अच्छा डी बिलोंग्स टू 4th फ्लोर, चलो डी यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ, ये चाइना नहीं होगा, और कहाँ पे नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, चलो ये मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ बिलोंग्स टू जापान एंड ही लीव्स इधर 6th और 3rd फ्लोर। अच्छा ए जो है वो जापान में रहता है, ठीक है, ए कहाँ पे है, इफ बिलोंग्स टू जापान एंड लीव्स इधर 6th और 3rd फ्लोर। चलो एक बार मैं इफ को 6th फ्लोर में ले लूंगा, जापान और 3rd फ्लोर, और 3rd पे मैं एफ को रख लूंगा,
और जापान, ठीक है, चलो ये लिख लिया मैंने। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, सी लीव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, सी लीव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, चलो सी लीव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ई बिलोंग्स टू जर्मनी, ई जो है वो जर्मनी को जाता है। अब देखो जो मेरा डेफिनेट कंडीशन है वो मैं मतलब तभी सेट कर दूंगा, ठीक है, जर्मनी, ई बिलोंग्स टू जर्मनी तो तभी सेट कर दूंगा, जो डेफिनेट नहीं होगा उसको मैं कंडीशन को लिख लूंगा, क्योंकि मेरा ये डेफिनेट था मैंने लिख लिया, ठीक है। अच्छा बी बिलोंग्स टू, बी डज नॉट लिव ऑन सेवेंथ फ्लोर, अच्छा बी जो है वो सेवेंथ फ्लोर में नहीं रहता है, चलो काट दिया यहाँ पे लिख के। द वन हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर, जो ऑस्ट्रेलिया से है वो सेकेंड फ्लोर में रहता है, चलो लिख लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये मेरा डेफिनेट कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया मैंने लिख लिया। इफ डज नॉट लिव इमीडिएटली बिलो जी, अच्छा इफ जो है वो जी के मतलब जी जो है यहां पे नहीं होगा, अच्छा चलो लिख लेता हूं यहाँ पे, इफ जो है इमीडिएट बिलो नहीं रहता है जी के। ए लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर एंड ही बिलोंग्स टू इंडिया, ए जो है फिफ्थ फ्लोर में रहता है और इंडिया को बिलोंग, इंडिया को बिलोंग करता है, ठीक है, फिफ्थ फ्लोर और ओ सॉरी ए बिलोंग्स टू फिफ्थ फ्लोर एंड ए बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है ये हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, द वन हु बिलोंग्स टू फ्रांस लिव ऑन फ्लोर सेवन फ्लोर, अच्छा फ्रांस जो है वो सेवन फ्लोर में रहता है, फ्रांस, ठीक है चलो यहाँ पे फ्रांस सेवन फ्लोर में रहता है, चलो मेरे कंडीशन हो गए, अब देखो दो ही कंडीशन बचे, ठीक है। अब मैं इसको किस तरीके से सेट करूंगा, देखो चाइना ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, एक दो तीन चार, चार कंट्रीज तो सेट हो गए, चाइना ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे डी पे नहीं होगा, ठीक है, तो बचा क्या, बचा मेरे पास रशिया, तो इसका मतलब रशिया जो है वो डी पे हो जाएगा, चलो रशिया डी में आ गया, ठीक है रशिया डी में आ गया। अब आगे देखते हैं, तो इस तरीके से आपको देख चेक करना हो, बैठाना है, सेट करना है, ठीक है, चाइना डी पे हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है कि आपका देखते हैं आगे किस तरीके से होगा। अच्छा उसके बाद चलो देख लेते हैं क्या है, अच्छा ये सेट हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, ई जर्मनी, अब देखो ये जो ई जर्मनी है इसके लिए पूरा एक जगह पूरा खाली चाहिए, कहाँ कहाँ पे मेरा एक पूरा जगह खाली है, देखो एक फ्लोर भी खाली चाहिए और एक जगह भी खाली चाहिए, तो मैं ई यहाँ पे सेट कर सकता हूँ इसमें जर्मनी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे देखो सिक्स फ्लोर एकमात्र खाली जगह है जहाँ पे ये दोनों एक साथ सेट हो सकता है, ठीक है, जर्मनी यहाँ पे आ गए, चलो ये भी सेट हो गए। अब क्या क्या देख सकते हैं, देखो हाँ ये हो गए। अच्छा बी तो देखो सेवन फ्लोर पे नहीं होगा है ना, बी सेवन फ्लोर पे नहीं होगा तो डेफिनेटली बी यहाँ पे आ जाएगा, तो बी यहाँ पे मेरे पास बचा क्या, जी, तो जी जो है मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, और मेरे पास बचा क्या, देखो ऑस्ट्रेलिया हो गए, तो मेरे पास बचा आखिर में चाइना, ठीक है चाइना मेरे पास यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे जो है सी चाइना आ जाएगा, तो इसी के साथ सॉल्व। अब देखो इसको मैं अगर चेक करूं, बी तो सेवन फ्लोर पे नहीं होगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा, और बी यहाँ पे आ जाता है तो जी को मैं यहाँ पे बैठाऊंगा, जैसे यहाँ पे जी बैठाऊंगा ये को आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए कह दिया है कि जी के जस्ट नीचे एफ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जी के नीचे जस्ट एफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी रॉन्ग और ये मेरा सही, ठीक है होप आपको समझ में आ गया हो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे।
6% PQRS TUR living in a 7-story building, each of them like different cars. अच्छा, छह लोग है, 7-story building में रहता है और वो अलग अलग कार को पसंद करता है, ठीक है. तो वन फ्लोर इज वैकेंट. अच्छा, एक फ्लोर वैकेंट है, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है. चलो, मैंने यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी ली है, जरूरत पड़े तो लेंगे, आगे करेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है. लेकिन दो पॉसिबिलिटी आपको लेना रहता है और उसमें से भी एलिमिनेट हो जाता है. तो चलो शुरू करते हैं. पी लिव्स एट 6th फ्लोर. पी जो है वो 6th फ्लोर पे रहता है. चलो यहाँ पे दे दिए दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड अगर आ रहा है तो उसके लिए माफी चाहूंगा. घर है, पास में रोड है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है. अच्छा, एंड द वन हु लाइक्स किया, वन फ्लोर इज बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक्स किया. देखो, पी और किया के बीच में एक फ्लोर है. अब देखो, ऊपर तो कोई होगा नहीं क्योंकि एक ही जगह है, तो डेफिनेटली किया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. किया यहाँ पे आ गया, चलो यहाँ पे भी सेम कर देंगे, किया यहाँ पे आ गया. अच्छा, उसके बाद 2% लिव बिटवीन पर्सन हु लाइक्स होंडा एंड द वन हु लाइक्स मारुति. अच्छा, जो होंडा है और मारुति के बीच में 2% है, ये याद रखिएगा, ठीक है. मारुति 2% है, दो फ्लोर नहीं कहा गया है. ये वैकेंट वाले जो फ्लोर पजल्स होते हैं ना, इसमें इस तरीके का आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा. तो इसको ध्यान से कैसे करना है मैं बता दूंगा ये वाली. इसीलिए मैंने ये पजल लिया है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर रहे, जब आप करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो. द पर्सन हु लाइक्स होंडा लिव्स अबव द वन हु लाइक्स मारुति. अच्छा, जो होंडा है वो मारुति के ऊपर रहता है. चलो ये मैंने कर दिया. क्यू लाइक्स BMW एंड लिव्स एट बॉटम फ्लोर. क्यू जो है BMW पसंद करता है. भाई सब करते हैं, हम भी करते हैं, देखते हैं कब खरीद पाते हैं, पता नहीं इस जन्म में खरीद पाएंगे भी कि नहीं. चलो, सपने सबको देखने चाहिए और बड़े वाले देखने चाहिए, तभी आप उसको हासिल करने का जज्बा रखोगे, ठीक है. तो चलो आगे देखते हैं. आर लिव्स इमीडिएटली बिलो पी फ्लोर एंड डज नॉट लाइक होंडा. अच्छा, आर लिव्स इमीडिएटली बिलो पी फ्लोर. आर जो है वो इमीडिएटली पी के नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, तो चलो यहाँ पे लिख देंगे. और उसको होंडा पसंद नहीं है, मतलब आर को जो है होंडा पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है. अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, 2% लिव बिटवीन यू एंड टी. अच्छा, यू और टी के बीच में 2% है, 2% है, याद रखिएगा. अब टी यहाँ पे ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये साइन कर दिया है, ठीक है. क्योंकि मुझे एग्जैक्ट कहा नहीं गया, जैसे ये वाले में था कि होंडा ऊपर रहेगा मारुति के बता दिया गया था, बट यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया. 1% लिव बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक्स टोयोटा. अच्छा, टी और टोयोटा के बीच में एक लोग है, चलो देख लेते हैं. टी और टोयोटा के बीच में एक लोग है, मैंने यहाँ पे वो कर दिया है, ठीक है. अच्छा, हु लाइक्स टोयोटा. वैकेंट फ्लोर इज वन ऑफ द अबव फ्लोर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स मारुति. अच्छा, जो वैकेंट फ्लोर है वो मारुति के कोई फ्लोर ऊपर है, मतलब मारुति के ऊपर है, ठीक है, मारुति के कोई ऊपर वाले फ्लोर पे है. तो ये मेरे कंडीशंस हो गए. अब मुझे इसको सेट करने हैं. अब देखो कैसे मैं इसको सेट करता हूँ, ठीक है. हाँ, चलो, यू और टी के बीच में कहाँ पे कह रहे हैं, देखो टी वन. अच्छा, 2% लिव बिटवीन यू एंड टी, ये 2% लिव बिटवीन यू एंड टी मुझे कहा गया है. अब देखो यहाँ पे पी आर, ठीक है, यू एंड टी. देखो ये दो जगह है ना, ये वैकेंट फ्लोर नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी और आर ऑलरेडी है, तो जब पी और आर ऑलरेडी है तो वैकेंट फ्लोर तो यहाँ पे हो नहीं सकता, है ना. ये चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है. और अगर देखो ये वाले को मैं वैकेंट फ्लोर लेता हूँ, ये वाले को, ठीक है, अगर ऐसे मान भी लो ये वाला वैकेंट फ्लोर है, तो नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं. तो चलो देखते हैं किस तरीके से मारुति यहाँ पे देंगे. तो मारुति और होंडा, देखो मारुति यहाँ पे दू तो 1, 2 होंडा यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है. अगर ये दे देंगे तो यू और टी के बीच में 2 लोग आना चाहिए, और टी को जो है वो टोयोटा पसंद है, ठीक है. टी और टोयोटा के बीच में 1 लोग है. अब देखो
यू और टी को मैं किस तरीके से सेट कर सकता हूं? ठीक है, अगर मैं टी को ऊपर दू, ठीक है, टी को ऊपर दू, देखो यहां पे यू दू तो एक दो टी तो आर के जगह पे नहीं आ सकता, अगर मैं यहां पे यू दू तो एक दो पी के जगह पे आर नहीं आ सकता, तो यू और टी जो है सेवेंथ और फोर्थ फ्लोर में ही हो सकता है कहीं पे, ठीक है। तो अगर मैं टी को यहां पे दू, देखो टी को यहां पे दू, सॉरी यू को अगर ऊपर दू और टी को नीचे दू, तो टी और आपका इसमें क्या कहते हैं, टी और टोयोटा के बीच में एक लोग होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं वो कर देता हूं, यू यहां पे दूंगा, टी यहां पे दूंगा और टोयोटा यहां पे, ठीक है, ये एक कंडीशन। और एक या तो मैं टी को ऊपर देना है और एक दो यू यहां पे आ गया और टी और टोयोटा के बीच में एक लोग है, ठीक है, यहां पे दिया गया है तो मैं यहां पे टी कर दूंगा, देखो टोयोटा यहां पे मैं सेट करूंगा, ठीक है, टोयोटा यहां पे मैंने सेट कर दिया। तो ये दो पॉसिबिलिटी, मैं कहा था दो पॉसिबिलिटी से चलेंगे क्योंकि डबल वेरिएबल वाला पजल है, तो दो पॉसिबिलिटी आप रख के चलिए, ठीक है। अच्छा ये हो गए, अब मेरे मुझे क्या पूछ रहा है, अब देखो, अब चीज देखो, एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा चीज है, यू पी आर ऊपर तीनों आ गए, यहाँ पे टी पी आर तीनों आ गए। अब देखो ऊपर तो कोई वैकेंट फ्लोर नहीं होगा, 5, 6, 7 में कहीं पे भी वैकेंट फ्लोर नहीं होगा, बट मेरा एक वैकेंट फ्लोर होना चाहिए, तो यहाँ पे टोयोटा बीएमडब्ल्यू है 1 और 2 पे, तो 3 वाला मेरा वैकेंट फ्लोर होना चाहिए, राइट। तो मैं टी वाला वैकेंट फ्लोर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं टी वाला को वैकेंट फ्लोर करता हूँ, मुझे कहा गया है मारुति और होंडा के बीच में दो लोग है और दो लोग है, ठीक है, तो मारुति और होंडा के बीच में मैं कहीं ये तीनों में सेट कर सकता हूं, देखो 7, 6, 5 फ्लोर में नहीं सेट कर सकता, इसीलिए ये वाला कंडीशन कट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे करूंगा, देखो इसको मैं आगे करूंगा कैसे, मारुति और होंडा के बीच में दो लोग कहा गया है, ठीक है, मारुति और होंडा के बीच में दो लोग कहा गया, अच्छा एक पर्सन और बचा मेरे पास, देखो 6 पर्सन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 पर्सन बचा। अब अगर तो 5 पर्सन सेट हो गया, मेरे पास बचा क्या, एस, ठीक है, एस बचा। अब देखो ये दो जगह खाली है, दो जगह पे कहीं पे एस आएगा, कहां पे है मुझे पता नहीं, बट मैं चेक कर सकता हूं, देखो कैसे मैं बता देता हूं। अगर मैं एस को यहां पे दू, एस को यहां पे दे दू, ठीक है, अगर मैं एस को यहां पे दू थर्ड फ्लोर पे, ठीक है, मान लो ये एस यहां पे है, तो क्या होगा, तो देखो अगर एस यहां पे दू, ठीक है, ऐसे अगर यहां पे दे दू, तो मारुति और होंडा के बीच में दो लोग होना चाहिए, ठीक है, मारुति और होंडा के बीच में दो लोग होना चाहिए, तो मारुति मुझे यहां पे देना पड़ेगा और वैकेंट फ्लोर मुझे ये नीचे आ जाएगा। तो जब वैकेंट फ्लोर नीचे आ जाएगा तो मुझे, बट यहां पे कह दिया है कि वैकेंट फ्लोर जो है वो मारुति के ऊपर होगा, तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन तो मेरा सेट नहीं होगा, ठीक है। होप आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब आपको समझ आ गया हो, ठीक है, तो इसलिए वैकेंट फ्लोर थर्ड नंबर पे तो नहीं होगा, ठीक है, सॉरी एस तो वहां पे नहीं होगा, तो डेफिनेटली एस जो है मेरा यहां पे हो जाएगा, एस यहां पे हो जाएगा और इसको मारुति मैं यहां पे लूंगा, ठीक है, मारुति यहां पे लूंगा, तो ये वाला फ्लोर मेरा वैकेंट हो जाएगा। अब देखो इस वाले कंडीशन में क्या है, कहा गया है मारुति और होंडा के बीच में 2 पर्सन है, ना कि कहा है 2 फ्लैट है या फ्लोर है, ऐसा कहा गया है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि वैकेंट फ्लोर में तो कोई पर्सन है नहीं, इसलिए ये काउंट नहीं होगा, तो इसलिए दो फ्लोर में जो 2 पर्सन है वो आर और यू होगा और मेरा होंडा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। होंडा जैसे यहां पे आया तो मेरे पास बचा क्या है, एक ही कार बचा, क्या है, क्या है, क्या क्या है, वॉल्वो, वॉल्वो मेरे पास बचा, तो यहाँ पे जो है वॉल्वो हो जाएगा। अगर आपको समझ ना आया हो, तो आप फिर से वीडियो को रिपीट एक बार देख लीजिए, ये वाले पजल को, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये याद है, ये वाला मेरा सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से ये करना होता है, आपको ध्यान रखना है ये जो ब्रैकेट वाले जब भी फ्लोर होंगे उसमें दो तरीके आपको स्टेटमेंट मिलेगा, एक तो कहेगा कि ए और बी के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है, और एक बोलेगा कि ए और बी के बीच में 2 फ्लोर है। तो जब भी ऐसा बोले तो आप ध्यान रखना
ये ए और बी के बीच में जो 2% कहा गया है, और अगर कोई वैकेंट फ्लोर है तो ये वैकेंट फ्लोर भी आएगा, और जिसमें पर्सन रहेंगे वही पर्सन जो है वो काउंट होगा 2% ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला ध्यान रखना है वैकेंट वाले फ्लोर पे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट मेरा पजल है, इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। चलो देखते हैं क्या कहा गया है। 7% पीपल लिव इन 7 डिफरेंट फ्लोर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट 7 नंबर ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड सो ऑन एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 7 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि दे ऑल लाइक डिफरेंट कलर्स, वो अलग अलग कलर पसंद करते हैं। सी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड लाइक ग्रीन, सी जो है इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और ग्रीन पसंद करता है ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन फ्लोर ऑन विच सी एंड डी लिव, सी और डी के बीच में दो लोग हैं, सॉरी सी और डी के बीच में दो लोग हैं, ये हो गए। उसके बाद जी लिव जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच एफ लिव, हु लाइक्स ब्लैक, जी जो है वो एफ के जस्ट ऊपर रहता है और एफ जो है वो ब्लैक पसंद करता है ठीक है, ये एक हो गया है। Who likes black? There are two floors between the floor on which F and A lives. F और A के बीच में दो फ्लोर है ठीक है। चलो ये हो गया। A lives on an on one of the above floor on which G lives. F जो है वो G के ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। चलो ये कर दिए। F's कहाँ पे है? F A lives on one of the above floor on which G lives. Oh sorry. ये वाला नहीं होगा यहाँ पे। ये जो है वो जी के एबो वाले फ्लोर पे फ्लोर रहता है। बी लिव्स ऑन वन ऑफ द एबो फ्लोर ऑन विच ई लिव्स, बी जो है एक फ्लोर ऊपर रहता है किसके, ई के, कोई फ्लोर ऊपर रहता है। ई लिव्स नाइदर ऑन फर्स्ट नॉर फिफ्थ फ्लोर, ई जो है ना ही फर्स्ट फ्लोर में रहता है ठीक है। ई लिव्स नाइदर ऑन फर्स्ट नॉर फिफ्थ फ्लोर, और ना ही फिफ्थ फ्लोर पे रहता है। चलो ये काट दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, देयर आर टू पीपल लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स योलो एंड सी, अच्छा सी और योलो के बीच में 2% है, चलो ये भी लिख लिए। उसके बाद क्या कर रहा है, ओनली टू पीपल लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स रेड एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन, अच्छा रेड और ग्रीन के बीच में दो लोग हैं, चलो ये भी लिख दिए। B does not like red, B को red पसंद नहीं है, B को red पसंद नहीं है। The person who likes orange lives immediately above the one who likes grey, जिसको orange पसंद है वो grey के just ऊपर रहता है ठीक है, orange ठीक है, ये orange है याद रहे, ऑरेंज ग्रे के जस्ट ऊपर रहता है। चलो ये हो गए। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कंडीशंस देखता हूँ तो मुझे क्या नजर आता है, देखो अब इसमें देखो मैं कंडीशन को अगर मर्ज करूंगा तो किस तरीके से होगा, देखो सी और योलो के बीच में दो लोग हैं, सी को ग्रीन पसंद है और सी इवेन नंबर में रहता है ठीक है, सी इवेन नंबर में रहता है। अब सी और योलो के बीच में दो लोग हैं और रेड और ग्रीन के बीच में जो कि सी है, तो इसका मतलब मैं इस तरीके से देख सकता हूँ, देखो योलो रेड दो लोग सी और उसके बाद फिर दो लोग योलो और रेड ठीक है, इस तरीके से मैं देख सकता हूं इस कंडीशन को अगर मर्ज करता हूं। अब देखो सी के ऊपर दो लोग, सी के नीचे दो लोग, तो सी को मैं इवेंट नंबर पे कहां पे रख सकता हूं, देखो सी को मुझे यहीं पे ही रहना होगा फोर्थ नंबर पे, क्यों यहां पे अगर रखूंगा तभी उसके ऊपर दो लोग को ऊपर छोड़ के जगह है और सी के नीचे दो लोग छोड़ के नीचे एक जगह है, बट अगर मैं सिक्स में या सेकंड में रखता हूं तो वो मुझे नहीं मिलेगा, तो इसलिए सी जो है तो फोर्थ फ्लोर में रहेगा। अब मुझे सी जो कि ग्रीन को पसंद करता है ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रीन लिख लूंगा। अब ग्रीन और रेड के बीच में दो लोग है, चलो रेड को ऊपर रख लूंगा और सी और योलो के बीच में दो लोग है तो यहाँ पे रख लूंगा। अब देखो सेम यहाँ पे, लेकिन इसको मैं अब यहाँ पे मैं रेड को नीचे रखूंगा और योलो को
ऊपर रखूंगा, ठीक है, ये हो गए। चलो तो मेरे ये कंडीशन कट गए, ये वाले कंडीशन हो गए, और मेरा ये वाले जो है कंडीशन रेड और ग्रीन वाले ये हो गए। अब एक चीज ध्यान रहे, जो रेड है उसको बी पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं अलग से यहाँ पे लिख लेता हूँ, रेड जो है उसको बी पसंद नहीं है, तो इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया, अब देखो क्या देख सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला ले सकते हैं, देखो सी और डी के बीच में दो लोग हैं, ठीक है, सी और डी के बीच में दो लोग हैं, ई के ऊपर बी है। अच्छा एफ और ए के बीच में दो लोग हैं और ए के नीचे जी है, ये वाले कंडीशन मेरे हो गए, ठीक है, ये वाले कंडीशन भी मेरे हो गए। अब क्या देखना है, देखो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अब देखो सी और डी के बीच में दो लोग हैं, है ना, सी और डी के बीच में दो लोग मुझे कहा गया है, तो चलो सी और डी के बीच में एक बार मैं डी को ऊपर लूंगा और एक बार डी को मैं नीचे रख दूंगा, ठीक है, इस तरीके से मैं करूंगा। चलो ये भी कंडीशन हो गया, सी और डी के बीच में दो लोग हैं। अब मुझे कह रहा है एफ और जी के बी, एफ और जी, एफ के जस्ट ऊपर जी है और जी एफ ब्लैक पसंद करता है। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जी के ऊपर ए आना चाहिए, तो मुझे एफ और जी के लिए दो जगह खाली है, एक तो सिक्स और फिफ्थ फ्लोर और एक है मेरा थर्ड और सेकंड फ्लोर। तो अगर मैं एफ को फिफ्थ में लूँ और सिक्स को मैं जी पे रखूँ, जी को रखूँ, ठीक है, यहाँ पे जी को रखूँ, लेकिन जी के ऊपर तो ए होना चाहिए ना, तो जबकि जी के ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब मुझे जो है जी और एफ को नीचे ही रखना होगा, तो इसलिए मैं जी को यहाँ रखूँगा और एफ को यहाँ रखूँगा, और एफ को क्या पसंद है, ब्लैक पसंद है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो सेम यहाँ पे भी मैं करूँगा, जी यहाँ पे रख दूंगा, एफ यहाँ पे रख दूंगा और एफ जो है ब्लैक पसंद है लिख लूंगा, ठीक है, ये क्लियर हो गए। तो ये तो नहीं होगा, अब देखो और ये कंडीशन हो गए मेरे, ठीक है, एफ के ऊपर जस्ट ऊपर जी है और एफ को ब्लैक पसंद है। अब एफ और ए के बीच में दो पर्सन है, ये वाला, तो एफ और ए के बीच में दो पर्सन है, मैं यहाँ पे एफ और ए के बीच में दो पर्सन को सेट कर दूंगा, एफ और ए के बीच में दो पर्सन है, ये सेट हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही सेट हो गया, अब मुझे कह रहा है कि ई के जस्ट ऊपर बी है, ई के जस्ट ऊपर बी, ई के ऊपर बी है, तो कहाँ पे देखो ये बी यहाँ पे आ जाएगा, दो ही जगह खाली है, ई यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे मैं ई को यहाँ पे सेट करता हूँ ये मेरा कट जाता है, क्यों, क्योंकि अब मुझे तो पहले ही क्या आ गया है कि ई फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा, ठीक है, और ई के ऊपर बी होना चाहिए, तो इसलिए ये वाला नहीं हुआ, समझ आ गया। अच्छा तो मेरे पास बचा क्या, यही दो जगह खाली है, एक बी यहाँ पे आ जाएगा और ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेरा सारे सेट हो गया, अल्फाबेट्स जो है मेरे पर्सन जो है वो सारे सेट हो गए। अब मुझे बाकी का सेट करना है कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ उसको, ठीक है। अच्छा ये हो गए, अब मुझे कह रहा है क्या ग्रे कहाँ पे, अच्छा ओ सॉरी यहाँ पे ग्रीन मैं नहीं दिया, अभी मैं कहूँ ग्रीन यहाँ पे सी, क्योंकि सी को ग्रीन पसंद है, सी को ग्रीन पसंद है। अब जैसे सी को यहाँ पे ग्रीन पसंद है, तो मेरे पास क्या बचता है, देखिए ये वाला कंडीशन, ग्रे के जस्ट ऊपर ऑरेंज है। अब देखो मुझे दो जगह एक साथ खाली चाहिए जो कि मुझे ऊपर ही दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑरेंज सेट कर दूंगा और यहाँ पे हो जाएगा ग्रे, यहाँ पे ग्रे हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा यहाँ पे देख लेते हैं ऑरेंज ग्रे वाइट, अच्छा वाइट, वाइट मेरे पास बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा वाइट, ठीक है, और इसके साथ जो पजल सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, आप कंडीशन चेक करके एक पॉसिबिलिटी में भी कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का पजल है, इसमें आपको दो पॉसिबिलिटी चाहिए होगा, तो आप इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगले पजल सीरीज के लिए फॉलो करिए, मैं डेफिनेटली आपको अच्छे अच्छे पजल मॉडरेट लेवल के, जो SBI क्लर्क प्रीलिम्स ने आने वाले पजल से थोड़े से ऊपर लेवल के रहेंगे, ताकि आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाए और जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको एग्जाम में जो पजल्स है वो तुरंत बन जाए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करवाओ, रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट
क्लियर करवाऊं। ये है सॉल्यूशन, आप देख लीजिए मैंने दे दिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सॉल्यूशन का, और इसका पीडीएफ भी हम लोग अपना टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्रोवाइड करवा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप सब, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको कोई पेड क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। चलो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।